हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेल्दी खाना किसे नहीं पसंद है, तो चलिए आज हम कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। पालक कॉर्न सैंडविच, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन में या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम एक टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन और इसे 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप कॉर्न और आधा चम्मच नमक। ठंड के टाइम पर कॉर्न इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसे एक बार मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे फाइनली चॉप किए हुए पालक के पत्ते, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से पानी में धो लिया है, और अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखें। अब इसे ढककर करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। देखिए कॉर्न और पालक कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है और कुक हो चुका है। अब इस मिक्सचर में थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। गैस का फ्लेम हाई कर दें और इस मिक्सचर को अच्छे से ड्राई कर लेंगे, ताकि ये सैंडविच में अच्छे से फिल हो जाए और सैंडविच हमारा टूटे नहीं। गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब डालेंगे 2 चम्मच हंकर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ ही इटालियन सीजनिंग, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास सीजनिंग नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके ब्रेड स्लाइस में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। अब दूसरे वाले स्लाइस को भी इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे, ताकि स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। अब एक तवा को गर्म करके उस पर बटर डालेंगे और दोनों तरफ से इस सैंडविच को हम क्रिस्पी होने तक टोस्ट कर लेंगे। सैंडविच बनाते वक्त एक बात का ज़रूर से ध्यान रखें, हंकट को आप जब भी पालक और कॉर्न के मिक्सचर के साथ मिक्स करें, गैस का फ्लेम बंद करके मिक्स करें, वरना स्टफिंग में फिर से मॉइस्चर आ जाएगा। देखिए हेल्दी सैंडविच हमारा रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।